हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की आने वाली स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड टर्निंग पॉइंट आने वाला है। जैसा कि हमने रिसेंट एपिसोड में देखा कि गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर्स को पोपटलाल की शादी के बारे में गलतफहमी हो चुकी है। सभी लोगों का ये मानना है कि पोपटलाल ने बिना बताए शादी की है। अब गाइस, गोकुलधाम सोसाइटी के सभी मेंबर एक साथ मौजूद हैं, सिवाय दो लोगों को छोड़कर अय्यर एंड बबीता जी, क्योंकि रिसेंट स्टोरी में अय्यर एंड बबीता जी को उनके घर में जाते हुए दिखाया गया था। एंड गाइस, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन रही है कि भिड़े ने जिसे पोपटलाल की बालकनी में देखा वो कोई और नहीं बल्कि अय्यर एंड बबीता जी के कोई रिलेटिव हों और वो कुछ टाइम के लिए बॉम्बे में स्टे करने के लिए आए हों। और जैसा कि हम सभी को पता है कि पोपटलाल एंड बबीता जी एक ही विंग में रहते हैं, तो बबीता जी ने इन दोनों कपल को कुछ टाइम के लिए पोपटलाल के घर में स्टे करने के लिए बोल दिया हो। एंड मेक श्योर, जब बबीता एंड अय्यर ने इस बात की परमिशन दी होगी तो इसके बारे में उन्होंने पोपटलाल से एक बार बातचीत जरूर की होगी। एंड पोपटलाल की परमिशन के बाद ही वो दोनों कपल पोपटलाल के घर में स्टे करने के लिए राजी हुए होंगे। तो वही आने वाली स्टोरी में पोपटलाल की शादी का राज कोई और नहीं बल्कि बबीता जी एंड अय्यर भाई खोलने वाले हैं।